इतना भूखा भी नहीं था और यहाँ प्रोटेस्ट हुआ भी नहीं था, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर इस तरीके का जो है आप माहौल देख सकते हैं, किस तरीके से सीआरपीएफ के पूरे जवान किस तरीके से दो छात्रों को किस तरीके से घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, किस तरीके से लड़कियों को भी घसीट के छात्रों को भी घसीट के ले जाया जा रहा है। सामने देखिए आप, ये देखिए देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, स्कूली छात्राओं के साथ सीट घसीट कर छात्रों को लेके जा रही है। यहाँ पर जो है महिला पुलिस देखिए किस तरीके से इनके साथ किस तरीके से बर्बरता की तरीके घसीट घसीट कर लेकर जा रही है, बर्बरता किस तरीके से हो रही है आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं। डीयू में इवनिंग कॉलेज खोले जितने ज्यादा बच्चे डीयू तक पहुंच पाए रेगुलर कॉलेज तक, हमारी ये मांग में क्या गलती थी? हमारी तीसरी मांग थी सरकारी स्कूल के बच्चों का हक होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। किस तरीके से आप देख सकते हैं सामने देखिए किस तरीके से धकेलते हुए लेके जाया जा रहा है। आप जो जो लीडर है वो इधर आ जाओ, आग वाग कोई भी लगाए, मैंने पहले बता दिया, आग लगाना गैर कानूनी कार्य करना ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सारा छोड़ना तो ऐसी कुछ नहीं कहा है, लेकिन आप आग लगाएंगे आप इस तरह का करेंगे, आग लगाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। आग लगाने का क्या कौन कह रहा है? आप आग लगाओगे यहाँ पे? क्या नहीं, आग नहीं लगाओगे यहाँ? नहीं, बिल्कुल आग नहीं लगाई जाएगी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, कोई आग वाग नहीं लगेगी, मैंने पहले बता दिया आपको। आप शांतिपूर्वक अपना कर ले, आपके पास परमिशन नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, आपको कोई परमिशन नहीं है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी चलो, ये लेडीज, अरे प्रोटेस्ट तो करने दीजिए ना। देखिए आप, नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनता आवाज। किस तरीके से आप देख सकते हैं लोकतंत्र में लगातार हमला हो रहा है, किस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, सीटिंग जो है प्रोटेस्ट लगातार यहाँ पर हो रहा था। आप सामने देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरीके से यहाँ पर खींचतानी होने लग गई है, जबकि कुछ हुआ भी नहीं है, लगातार यहाँ पर जो है इनको खींच कर लेके जाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से आप सामने देख सकते हैं, पूरी जो है सीआरपीएफ जवान मौजूद है, पूरे पुलिस वाले मौजूद है, लगातार कैसे घसीट के लेके जा रहे हैं। आप तस्वीरें सामने देख सकते हैं किस तरीके से ये छात्रों के हक अधिकार का हनन हो रहा है, किस तरीके से पकड़ के लेके जा रहे हैं, जबकि अभी जो है पुतला फूका भी नहीं था और यहाँ प्रोटेस्ट हुआ भी नहीं था, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर इस तरीके का जो है आप माहौल देख सकते हैं, किस तरीके से सीआरपीएफ के पूरे जवान किस तरीके से दो छात्रों को किस तरीके से घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, और कैसे सामने तस्वीरें देखिए, पुलिस वाले हैं लगातार यहाँ पर। सामने देखिए किस तरीके से लड़कियों को भी घसीट के छात्रों को भी घसीट के ले जाया जा रहा है। सामने देखिए आप, ये देखिए तस्वीरें, आपको आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं। प्रोटेस्ट शुरू हुआ भी नहीं था, उसके पहले ही यहाँ पर हंगामा कर दिया गया, पहले ही यहाँ पर जो है चेतावनी दी गई थी कि इस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा और ना ही इस तरीके का कोई पुतला दहन की करने दिया जाएगा। ये प्रोटेस्ट लगातार अनिश्चितकालीन लगातार सेंट स्टीफंस के कानून, जो कानून बना दिया गया है कि इंटरव्यू के द्वारा ही जो है एडमिशन होगा, उसी के चलते ये प्रोटेस्ट लगातार इतने दिनों से अनिश्चितकालीन चल रहा था और आज जो है पुतला दहन होने वाला था प्रिंसिपल का, सेंट स्टीफंस के प्रिंसिपल का पुतला दहन होने वाला था, उसके पहले ही यहाँ पर लगातार यहाँ पर खींच लिया गया। ये क्या क्या हो रहा है ये सब? पुलिस शर्म करो सर, यहाँ पर अभी प्रोटेस्ट हुआ भी नहीं था, उसके पहले ही यहाँ पर हम पिछले 15 दिन से शांतिपूर्ण ढंग से आर्ट्स फैकल्टी गेट पर बैठे हैं। जो स्टीफेंस कॉलेज का मनमाना इंटरव्यू क्राइटेरिया है, हम उसका विरोध कर रहे थे। हम दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नए कॉलेजों की मांग कर रहे थे, इवनिंग कॉलेज खोलने की मांग रहे थे, सरकारी स्कूल के छात्रों के अधिकारों की मांग कर रहे थे, लेकिन यह विश्वविद्यालय प्रशासन, यह दिल्ली पुलिस, यह मिली हुई है वाइस चांसलर से, यह मिली है स्टीफेंस कॉलेज से। हम
शांतिपूर्ण ढंग से वॉइस चांसलर का विरोध कर रहे थे, हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, लेकिन आज जो हो रहा है आप ये देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, स्कूली छात्राओं के साथ बदतमीजी की जा रही थी। हमारा धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, हमने किसी भी तरह के ना किसी का परेशान किया, हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगे उठा रहे थे। 15 दिन से हम बैठे हुए हैं, जब 15 दिन से कोई किसी तरह का हिंसा नहीं हुई तो आज ये क्या किया जा रहा है? आपने परमिशन नहीं दिया? परमिशन हमारे पास थी यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन करना, यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और ये जो तानाशाह ACP है, आप उन्हें दे सकते हैं इनकी तानाशाही। हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ये अचानक से आए और ये गवर्नमेंट के आदेश का पालन कर रहे हैं और हमारे लोकतांत्रिक आवाजों को दबाए जाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से है, किस तरीके से महिला है जो पुलिस की महिला कर्मी है, किस तरीके से घसीट घसीट कर छात्रों को लेके जा रही है। यहाँ पर जो है महिला पुलिस देखिए किस तरीके से इनके साथ किस तरीके से बर्बरता की तरीके घसीट घसीट कर लेकर जा रही है, बर्बरता किस तरीके से हो रही है आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं। सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी पुलिस फोर्स मौजूद है, पूरी जो CRP है, जवान मौजूद है, किस तरीके से घसीट घसीट कर ले जाया जा रहा है, हाथ पैरों में चोट लग जाए चाहे मर जाए, किस तरीके से तोड़ फोड़ हो रही है। सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से, ये देखिए आप एक तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज जो है फिर से छात्रों के हक अधिकार का हनन हो रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे ये लोग, अब जो है आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं कैसे ठूस के ले जाया जा रहा है दिल्ली पुलिस की गाड़ी में। ये छात्रों को अभी जो प्रदर्शन करने की इन्हें अनुमति दी गई थी, परमिशन भी ली थी, लेकिन आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से ठूस कर भर कर लेकर जाया जा रहा है। सामने पूरी पुलिस टुकड़ी मौजूद है, पूरी पुलिस फोर्स मौजूद है। अब सामने तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर तीन मांगी थी, एक जो स्टीफन कॉलेज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस चेंज के बावजूद इंटरव्यू की मांग कर रहा था, 15% इंटरव्यू को वेटेज दे रहा था, हम उसके खिलाफ थे। हमारी मांग थी कि इवनिंग कॉलेज खुलना चाहिए डीयू में इवनिंग कॉलेज खुले, जिससे ज्यादा बच्चे डीयू तक पहुंच पाए रेगुलर कॉलेज तक। हमारी ये मांग में क्या गलती थी? हमारी तीसरी मांग थी सरकारी स्कूल के बच्चों का हक होना चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय पे, उसमें क्या दिक्कत थी? सामने आप देख सकते हैं पहले पुलिस की गाड़ी में जब जगह कम पड़ गई तो दूसरी जो है कंट्रोल पुलिस जो घूमती है उसकी गाड़ी में फूस कर ले जाया जा रहा है महिलाओं को, छात्रों को, लड़कियां जो छात्र थी उनको लेके जाया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं अभी पुलिस की गाड़ी में जिस तरीके से ठूसा गया उसके बाद जो है यहाँ पर पुलिस कंट्रोल की जो दिल्ली पुलिस की गाड़ी जो होती है उसमें अब जो है लेके जाया जा रहा है। देखिए सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से घसीटते हुए लेके जाया जा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए किस तरीके से आप देख सकते हैं। सामने देखिए किस तरीके से धकेलते हुए लेके जाया जा रहा है, पूरी जो CRPF जवान मौजूद है जैसे कोई आतंकवादी इस विश्वविद्यालय में घुस आए हो, इस तरीके से पूरा जो है इस तरीके से कवरिंग की जा रही है, इस तरीके से कवर किया जा रहा है, पूरा घसीट के खींच के लेके जाया जा रहा है। आप सामने तस्वीरें पूरी देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो है छात्रों के हक अधिकार का पूरे तरीके से हनन हो रहा है। शांतिपूर्वक तरीके से ये लोग प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन प्रदर्शन करने से पहले ही यहाँ पर ऐसा माहौल बना दिया गया, पहले ही इस तरीके की चीजें जो है कर दी जाती है जिससे कि माहौल खराब कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप सामने देख सकते थे किस तरीके से यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से पूरा जो है प्रोटेस्ट करने बैठे हुए थे, यहाँ पर सेंट स्टीफन्स के जो प्रिंसिपल है उसका पुतला फूंकने के लिए बैठे हुए थे और लगातार जो है पुलिस की जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो ये हो रहा है कि इन्होंने परमिशन नहीं ली थी, लेकिन छात्रों का कहना है कि परमिशन उन्होंने ली थी और परमिशन के तहत ही वो यहाँ पर ये सब
करने वाले थे। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर ही जो है यहाँ पर इसी जगह पर यहाँ पर प्रोटेस्ट होने वाला था और उसके पहले ही यहाँ पर छात्रों को घेर लिया गया, घसीट कर ले जाया गया। सामने आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से उन्हें घसीटते हुए ले जाया गया। पूरी जो महिला पुलिस थी किस तरीके से पूरी टुकड़ी काम कर रही थी, किस तरीके से CRPF के जवान काम कर रहे थे, आपने सामने देखा कैसे घसीटते हुए महिलाओं को छात्रों को लेके जाया जा रहा था, किस तरीके से जो मेल लड़के छात्र हैं उनको भी ले जाया गया। सामने आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से पूरी तरह से हक अधिकार की बात करना जो है अब इस देश में लोकतंत्र पे जो लगातार हमला हो रहा है, कभी कहीं पर भी विरोध प्रदर्शन होता है अग्निपथ का तो उसको रोक दिया जाता है, मगर ये भी शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन हो रहा था और होने वाला था, उसके पहले ही यहाँ पर जो है इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया गया कि यहाँ पर प्रदर्शन ना हो और जो है सेंट स्टीफन्स के प्रिंसिपल का पुतला फूकने की जो है यहाँ पर तैयारी हो रही थी, उसके पहले ही यहाँ पर जो है इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से पहले ही उनको रोक दिया गया और परमिशन ना देने की बात कही गई, लेकिन छात्रों का कहना है कि परमिशन उन्होंने ली थी और लगातार जो है परमिशन के तहत ही वो यहाँ पर इतने दिन से सिट इन प्रोटेस्ट जो हो रहा था वो इतने दिन से लगातार अनिश्चितकालीन प्रोटेस्ट हो रहा था छात्रों के जो एडमिशन को लेकर सेंट स्टीफन्स के कॉलेज में। आपने सुना होगा कि अब जो है लगातार जो वहाँ पर एडमिशन होगा तो पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है वहाँ पर जो है एडमिशन ले सकते हैं छात्र। उसी के चलते यहाँ पर लगातार जो है प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर छात्रों पर वार कर दिया जाता है, उनके हक अधिकारों को वहीं पर नष्ट कर दिया जाता है, उन पर वार करते हुए घसीटते हुए ले जाया जाता है। आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से छात्रों को ले के जाया जा रहा था और जो महिला छात्र थी उनको भी किस तरीके से घसीटते हुए लेके गए हैं। ऐसी तरीके से देखते रहिए जनहित आवाज़। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।